सोनीपत में बीती रात एक साथ 17 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। इनमें कुछ पुराने संक्रमितों के परिजन शामिल हैं तो कुछ नए मामले भी सामने आए हैं। इन 17 लोगों के सामने आने के बाद अब सोनीपत जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 44 हो गई है। इनमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध शामिल हैं। हमारे जो सोनीपत के हैं वो रात को 17 केसेज हैं, 17 केसेज जो पॉजिटिव आए हैं। अगर जो इन 17 केसेज का हम ब्रेकअप करें जो मैंने अभी सुबह निकाला है, उसमें हमारे 8 केसेज तो ऐसे हैं जो पहले से ही हमारे पॉजिटिव थे और उनके कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस किए थे और उनके सैंपल लेकर भेजे गए थे, ठीक है। 3-4 लोग ऐसे हैं जो फ्लू ओपीडी में हमारे पास आए थे, क्योंकि हमारा कंटेनमेंट एरिया में ऑलरेडी इनकी सर्वेलेंस चल रहा है, तो कोई भी जो आईएलआई का या सारी का पेशेंट उनको मिलता है तो वो हमारे यहाँ फ्लू ओपीडी में भेज देते हैं और यहाँ उनकी सैम्पलिंग करते हैं। 2 केस हमारे वही सब्जी मंडी जो आज़ादपुर है उनसे रिलेटेड हैं। एक वहाँ पर आड़ती है और एक वहाँ का ट्रक ड्राइवर है जो काम सब्जी ले के आता था छोटा। ऐसे ही 3 एम्प्लॉय जैसे हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर या वहाँ के किसी ऑफिस के अंदर। तो इस तरह से ये 17 केसेस हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स भी हम ट्रेस कर लिए हैं। 17 को हमने BPS खानपुर कला भेज दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उनकी सैंपलिंग भी साथ में की जाएगी और जो हमारे मेजर्स हैं उनको लिया जाएगा। सर अब तक हमारे अगर जो टोटल केसेस कहें तो टोटल में हमारे 27+17 44 केसेस हो गए हैं। 44 में से हमारे 6 केसेस जो हैं वो रिकवर कर गए हैं, 4 पहले के थे और 2 रिकवरी में कल आए थे। अगर जो इन 44 केसों की अगर जो हम बात करें तो कम से कम 35-36 केसेस जो हमारे वो कहीं ना कहीं दिल्ली से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। देखो स्वास्थ्य विभाग तो शुरू से ही अपनी पूरी कोशिश है कि केसेस ज़्यादा ना बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेलेंस हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, उनकी सैंपलिंग कराई जाए और पॉजिटिव आने पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और यही हमारी स्ट्रेटजी आगे रहेगी कि हम सर्वेलेंस करेंगे, मास सैंपलिंग करेंगे और सैंपलिंग करके फिर जो केसेज आएंगे उनको ट्रीट करेंगे। गाँव के लोगों से वही है कि जो भी यूनिक प्रिकॉशंस हैं सरकार द्वारा बताई गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अपना रखें, अपने घरों में रहें, बार बार अपने हाथ धोएं, बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरी बनाए रखें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।